और इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां चेंबूर में भीषण अग्निकांड हुआ है। घर में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है। आग लगने के समय सभी घर में सो रहे थे और आग तेजी से फैली। सभी 7 लोग इस आग की चपेट में आ गए, झुलस गए, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। मुंबई से ये खबर आप देख रहे हैं। बड़ा दिल को दहला देने वाली खबर है ये, क्योंकि देखिए किस तरीके से चेंबूर में आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में 7 लोग जो सो रहे थे वो सभी इस आग की चपेट में आ गए। कोई बचा पाता उससे पहले उनकी झुलस कर जान चली गई। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी। सुबह 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन जो लोग सो रहे थे घर के अंदर वो सभी अपने आप को किसी तरीके से संभालते, इतना तो उनको समय ही नहीं मिला और उससे पहले ही उनकी जान चली गई। मुंबई के चेंबूर इलाके के सिद्धार्थ कॉलोनी में अभी हम मौजूद है, जहां पर सुबह लगभग 4:30-5 बजे के दौरान एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। आग लगने के कारण एक ही परिवार के 7 जनों का मृत्यु हो चुका है। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे नीचे एक दुकान थी, जिसके कारण जो पूरा शॉर्ट सर्किट वहाँ पे हुआ और जिसके कारण ये आग भड़की। लगभग 10 साल के छोटे बच्चे से लेके परिवार के अन्य जनों का भी इसमें मृत्यु हो चुका है। कई लोग यहाँ पे है जो यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए आए थे। अभी के समय में अगर हम देखें तो फायर विभाग के जो जवान हैं उनके तरफ से कुल डाउन ऑपरेशन शुरू है। किस तरीके का ये परिवार था, बहुत ही दर्दनाक हादसा ये हुआ है।